जय हिंद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिर पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज को जो है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस जो रह गए हैं उसके 31 सेंटेंस यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। डिसीजंस मस्ट बी टेकन, तो ऐसे सेंटेंस जिनमें डिसीजंस मस्ट बी टेकन लिया जाए तो उनको हम बी से जोड़ देते हैं। वी मस्ट बी मस्ट टेक डिसीजन, यानी कि पैसिव वॉइस था इसको हमने एक्टिव वॉइस बना दिया। थर्टी टू, और इसको पैसिव वॉइस बनाते समय ये बना देंगे डिसीजंस मस्ट बी टेकन, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। आर दे नॉट चीटिंग अस, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक चिन्ह में बनाया जा रहा है, तो इसको ये है आर दे नॉट चीटिंग अस, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही इसको बनाएंगे, लेकिन इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ आर जहाँ बोला गया था चीटिंग अस तो आर बी अस का बी हो जाएगा हमारा यहाँ पर, इसको बनाएंगे तो बी और साथ में नॉट जहाँ लगा वहीं लगाएंगे नॉट बीइंग चीटेड, चीटिंग का चीटेड हो जाएगा और दे लगा था तो बाई देम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस 33, द रूम वाज क्लीन्ड, कमरा साफ कर दिया गया, यानी पास्ट इंडिफिनिट में ये बनाया गया है पैसिव वॉइस तो इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए कुछ सेंटेंसों में हमें अपनी तरफ से जो सब्जेक्ट है वो जोड़ना पड़ता है, कमरा साफ हो गया है तो कमरा साफ किसके, क्लीनर के द्वारा यानी सफाई कर्मचारी के द्वारा किया गया होगा तो, और बनाना है पास्ट इंडिफिनिट में क्योंकि वाज लगा हुआ है तो द क्लीनर अपनी तरफ से लगा सकते हैं जब कोई सब्जेक्ट नहीं है तो क्लीन्ड द रूम, यानी मैन वर्ब का जो डिसीजन करते हैं हम पैसिव वॉइस में अगर वॉइस वर्ब लगा हुआ है तो पास्ट इंडिफिनिट, इज आर एम लगा है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, या इज आर एम वॉइस वर्ब के संग बी लगा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग उसका पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस हम बना देते हैं मैन वर्ब में आईएनजी जोड़कर। नेक्स्ट 34, आई शुड हैव मेट हिम यस्टरडे, ये हमारा एक्टिव वॉइस है इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो यहाँ जो मैन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यानी ठीक मैन वर्ब के बाद जो होता है वहीं से सेंटेंस को उठाते हैं हिम, तो हिम का स्टार्टिंग में हो जाएगा ही और शुड हैव का शुड हैव बीन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, शुड हैव बीन वगैरह उसको लगाएंगे मेट क्रिया की थर्ड फॉर्म तो अकॉर्डिंग पहले से लगी हुई शुड हैव में लगी रहती है तो मेट लगा दिया और बाई मी चाहे तो स्टरडे यहाँ ले लो और यहाँ ना लगाना चाहें तो स्टरडे को आप यहाँ भी लगा सकते हो, क्वेश्चन हमारा सही रहेगा लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमने यस्टरडे लास्ट में लिया इसको। वन कुड सी हर लिंग ऑन द फ्लोवर वेट्स, ऐसे सेंटेंस एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस बनाना है, जो वन है जिस तरह से बी था ये पैसिव वॉइस बनाते समय हट जाते हैं कुछ सेंटेंसों में, इनका हमें ध्यान रखना है। तो वन कुड सी हर लिंग को हम सी से उठाएंगे यानी कि सी कुड बी सीन लिंग ऑन द फ्लोवर वेट्स, सीधा सीधा बन जाएगा सेंटेंस हमारा सी जहाँ कुड का यूज किया गया है वहाँ कुड बी कर देंगे और सी की थर्ड फॉर्म लगा देंगे सीन और लेइंग ऑन द फ्लोर में ये लास्ट में जो सेंटेंस में दिया है उसको हम बिल्कुल सेम वैसा ही रख देंगे। तो इस तरह से कुछ सेंटेंसों में कुछ वर्ड्स हमें यूज करने पड़ते हैं अपनी तरफ से, उन सेंटेंसों को हमें पहचानना है।
कहाँ पर है वो। अगला है बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज, ये जी सेंटेंस है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस बना सकते हैं। तो गुड न्यूज, सॉरी इसमें जो है क्या लग रहा है, लेटर्स से नहीं बनेगा, गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस ही बनेगा। गुड न्यूज इज एक्सपेक्टेड बाई अस, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में था। नेक्स्ट सेंटेंस, माई टीचर गेव मी ए जर्नल टू रीड, इस सेंटेंस को जो है पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम इसको चाहें मी से उठा सकते हैं या ये जनरल से भी उठा सकते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मी से उठाएंगे, हमारा ऑप्शन डी राइट है। आई वॉच, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है इसीलिए इसमें वॉच का यूज किया, क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई। गिविन, आई वॉज गिविन ए जर्नल, सॉरी जर्नल को जैसे बना सकते हैं हम यहाँ पर, जे ओ यू आर एन ए एल जर्नल बाई टीचर और टू रीड, काहे के लिए पढ़ने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस, ये करना असंभव है, तो ये असंभव है करने के लिए। सेंटेंस का पैसिव वॉइस अगर अकॉर्डिंग टू मीनिंग्स बनाए तो आसान है, तो इसको बना देंगे दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन, दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। नेक्स्ट सेंटेंस 39, फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाई द पब्लिक, तो ये फिजिकली चैलेंज पीपल ये पूरा एक है, इसको अलग अलग नहीं करें, ऐसे सेंटेंस को पहचान लें जिनका एक ही अर्थ होता है। फिजिकली चैलेंज पीपल ये पूरा ही एक ही है, इसका अर्थ पूरा ही एक निकलेगा और इसको आगे पीछे नहीं करना है, तो इसको क्या बनाएंगे कि फिजिकली चैलेंज्ड पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाई द पब्लिक, ये पैसिव वॉइस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो द पब्लिक से उठाएंगे, तो यहाँ पर द पब्लिक शुड नॉट, जैसा लगा था नॉट बी तो नॉट कर दिया, लाफ फिजिकली चैलेंज्ड पीपल ये बन जाएगा, द पब्लिक should not laugh, क्या है सेंटेंस में laugh, laugh के बाद लगेगा at physically, at physically challenged people, तो इस तरह से ये सेंटेंस इजी है लेकिन समझना है। फिजिकली चैलेंज पीपल को हमने कहा था अलग नहीं करेंगे, उसको एक ही साथ उठाएंगे, तो एक ही साथ उसको बाद में लगा दिए। नेक्स्ट सेंटेंस 40 सेंटेंस इज दे से दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंट प्लैनेट्स, तो ऐसे सेंटेंसों को मैं बता दूं बनाने के लिए बहुत ही आसान है लेकिन सिर्फ समझना है उनको कि देश से अगर दिया है तो इट इज सैड लगेगा, दैट पीपल पूरा सुन लीजिए, देश से दैट पीपल, ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए इट इज सैड का प्रयोग करते हैं, दे सैड दैट पीपल इट वाज सैड का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो यहाँ बनाएंगे कि इट इज सैड दैट पीपल लिव ऑन डिस्टेंस प्लैनेट्स,
बिल्कुल वैसा ही लग जाएगा बाद में, तो ये हमारा 40 सेंटेंस हो जाएगा। इट इज सैड दैट, बकाया जो जिस तरह से अकॉर्डिंग सेंटेंस के पीपल लिव, क्या दिया था सेंटेंस, पीपल लिव ऑन डिस्टेंस डिस्टेंट प्लैनेट्स, सॉरी ऑन लगा, डिस्टेंट प्लैनेट्स, तो इस तरह से ये बनाएंगे। एंड 41 सेंटेंस, कैन बी सेंड द पार्सल टुमारो, दिस सेंटेंस इज वेरी इजी। एंड कैन है, कैन भी लग जाएगा, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव भी बना देंगे। कैन द पार्सल बी, कैन द पार्सल वी सेंट, सेंड का सेंट हो गया सेकंड थर्ड फॉर्म, सॉरी वाई अस और टुमारो का टुमारो। तो इस तरह से नेक्स्ट सेंटेंस 42, ए डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गॉट होम, ऐसे सेंटेंस में कुछ भी नहीं, सिर्फ ए डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम को चेंज करना है, एज सून एज ही गॉट होम को वैसा ही रहने देना है। तो यहाँ से बनाएंगे, हिम से उठाएंगे सेंटेंस को, मैन वर्ब के बाद जो हिम लगा हिम का ही बन जाएगा, ही बाथ अरेस्टेड। वाज क्यों लगाया, क्योंकि पास्ट इंडिफिनिट में है, इसीलिए इसमें जो है हमने वाज का प्रयोग करा, ही वाज अरेस्टेड बाई ए डिटेक्टिव एज सून एज, ये बिल्कुल जैसा लगा है सेंटेंस में वैसा ही लगा देंगे, एज सून एज ही गॉट होम। नेक्स्ट सेंटेंस 43, दे कुक्ड द फूड एंड सेंड इट टू द ऑर्फानेट, यानी कि दे कुक्ड द फूड, तो द फूड वाज कुक्ड एंड सेंट, इसी में जोड़ दीजिए वाई देम टू ऑर्फनेट या ऑर्फनेट वाई देम, दोनों तरफ से बन जाएगा सेंटेंस। लेकिन हमारे देखते हैं सेंटेंस में किस तरह से दिया गया है, तो ये ऑप्शन बी राइट लग रहा है, द फूड वाज कुक्ड एंड सेंट, द फूड वाज cooked and sent, क्योंकि इन दोनों को हमने साथ में जोड़ दिया कि खाना पकाया गया और इसे भेजा गया अनाथों में, तो इसको हमने एक ही साथ ले लिया by them, उनके द्वारा भेजा गया, उनके द्वारा पकाया गया, इसीलिए हमने जो है by the people, लेकिन ऑप्शन में हमारे टू orphanage पहले लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम बाद में लगा देंगे, लेकिन ऑप्शन हमारा वही होगा जो उसमें लगा हुआ है। लेकिन ये जो मैं बना रहा हूँ ये दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाई से पहले लगा सकते हैं, जो बकाया सेंटेंस में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग होगा। टू द लिख ही देता हूँ, चलिए पूरा इस तरह से हो गया, तो ये हमें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ये अगर यहाँ लगा है, ऐसा नहीं सोचिए ऑप्शन में ये नहीं दिया है गलत हो जाएगा, इसको हम बाई से पहले भी लगा सकते थे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जैसा कि ऑप्शन में दिया भी है, अगर बाद में लगा है तो भी गलत नहीं है ये, और एक जैसे ऑप्शन दो नहीं हो सकते कि यहाँ भी लगाओ और यहाँ भी लगाओ, डबल ऑप्शन
ए और बी में अलग अलग दे दिया हो तो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से भी बन सकता है, उस तरह से भी बन सकता है, दोनों तरफ से सेंटेंस को बना सकते हैं। 44 देखते हैं, वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच, वेरी इजी सेंटेंस, डबल इंटरोगेटिव, पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंसेस इज रूल फॉलो द क्रिकेट मैच, सॉरी वेयर वॉच द क्रिकेट मैच बीइंग प्लेट, यानी मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई देम क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस 45 इज दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अभी पिछले सेंटेंसों में ये सेंटेंस आया था, जैसा कि मैंने बोला भी था कि तो ऐसे सेंटेंसों को जहां दे से कहा जाता है तो इट इज सेड, और दे सेड किया जाए तो इट वाज सेड, इजी सिंपल सेंटेंस। तो इट इज सेड से बन जाएगा ये सेंटेंस, तो इट इज सेड दैट, बकाया वैसे ही बनाएंगे जैसा कि हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। तो इट इज सेड, ऐसे सेंटेंस को देखकर आप आसानी से थोड़ा ध्यान देते हुए बनाएंगे। इट इज सेड दैट, अब जो वाक्य में सबसे लास्ट में दिया है वहां से उठाएंगे, सेंटेंस इजी है लेकिन समझना है सिर्फ हमारे लिए। तो ऑलमोस्ट एनीथिंग ऑलमोस्ट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, ये पूरा हमने एक साथ उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं, इन दिस वर्ल्ड बाद में भी लगा सकते हैं लेकिन इन दिस वर्ल्ड यहां लगा लिया। कैन बी लाफ्ड, कैन कैन के साथ कैन भी आ जाएगा, और लाफ जो सॉरी टीच है तो टीच का टॉट हो जाएगा, टी यानी कि टीच की सेकेंड फॉर्म, बाई हिम। नेक्स्ट समझने के लिए पैसिव वॉइस की नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। इंग्लिश की एक्सरसाइज नेक्स्ट देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। धन्यवाद।